गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल कॉलेज गोइंग मेकअप लुक। और इस लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने यूज किया है सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स एंड यू कैन क्रिएट दिस लुक विद इन 15 मिनट्स। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस लुक देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू मॉइस्चराइज योर स्किन। अगर आप अच्छे से अपने स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हो देन आपका पूरा मेकअप बेकार हो जाएगा। सो इसलिए मेक श्योर कि आप अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करो, और इसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आई एम टेकिंग अ कॉम्पैक्ट पाउडर। मैंने यहाँ पे लिया है एलेनोर का पाउडर फाउंडेशन। आप चाहे तो कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हो। सो इससे मुझे थोड़ा सा कवरेज मिल जाएगा। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। मेक श्योर कि आपको जहाँ जहाँ स्वेटिंग की प्रॉब्लम है वहाँ आप अच्छे से इसे अप्लाई कर लो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई इट ऑन योर नेक, अदरवाइज आपके फेस का कलर और नेक का कलर पूरा अलग दिखेगा। अब मैं यूज़ करूँगी आईब्रो पेंसिल टू डिफाइन माई ब्राउज। पहले मैं स्पूली साइड यूज़ करके अपने आईब्रोज को अच्छे से कॉम कर लूँगी। एंड दिस स्टेप इज़ नॉट नेसेसरी, लाइक यू कैन टोटली स्किप दिस स्टेप। अब मैं अपने आईब्रोज को फिल इन करूंगी एंड मेक श्योर दैट यू डोंट ओवर ड्रॉ, अदरवाइज वो बहुत ही अननेचुरल दिखता है। अब मैंने फिर से स्पूली साइड लिया है और अपने आईब्रोज को अच्छे से कॉम आउट कर दूंगी। एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि मेरे आईब्रोज अब कितने अच्छे दिख रहे हैं पहले से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, आई एम गोइंग टू यूज़ अ काजल, और इसे मैं आईलाइनर की तरह अपने अपर लिड्स पे लगाऊंगी। फिर मैं इसे अपने वाटर लाइन पे भी लगाऊंगी। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अ स्मजर टू स्मज आउट माई काजल। मुझे ये लुक काफ़ी पसंद है, मुझे वो थोड़ा स्मोक्ड आउट लुक अच्छा लगता है मुझ पर। सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डू दिस स्टेप, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ अ ब्लश। इससे आपके फेस पे काफ़ी अच्छा कलर मिल जाता है और आपका फेस ब्लैंक नहीं दिखता। आई लाइक टू यूज़ अ लॉट ऑफ ब्लश क्योंकि मुझे ये काफ़ी क्यूट लगता है। I also like to apply it on my nose and my chin. Now I'm going to use a mascara and I think ki ye step bahut hi important hai kyunki isko apply karne se aapki aankhein kafi badi aur khuli si dikhti hain. I will finish this look by applying a lipstick. I am using a nude lipstick here.
सो दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आई होप कि आपको ये लुक पसंद आया हो. लेट मी गिव यू अ क्लोजर लुक. इफ यू लाइक दिस लुक देन प्लीज हिट द लाइक बटन और प्लीज सब्सक्राइब कर देना और उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे. एंड नाउ आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.